देखो सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से तनिषा आपसे बात करना कम कर दी थी? नहीं, ऐसा बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो नहीं, कुछ मेरे साथ तनिषा बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा था। यही कहना है कि शिजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शिजान ने तनिषा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया, मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान ने शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तनिषा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा, तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसके उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई बच्चे, मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी, मैंने फिर मेरे को तनिषा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं कह शिजान ये क्या है कि तूने तनिषा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं करना कर सकता, जो करना करो, ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं, बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तनिषा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी।